हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निम्बेकर व्लॉग्स। आशा है आप सब अच्छे से होंगे, मैं आपका दोस्त आर के निम्बेकर भी अच्छे से हूँ। दोस्तों, इस समय हम पहुँच गए हैं फतेहपुर सीकरी में। आज हम अकबर के किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा और भव्य किला है। ये अकबर की राजधानी हुआ करता था, इसके जैसा दूसरा किला नहीं है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको आने वाला है पूरा आनंद, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। यहाँ से हमें किले तक बस ले जाएगी, उस बस का यहाँ से टिकट मिलता है जिसका फेयर है 30 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ से हमने 2 टिकट ले लिए हैं और यहीं से हमने अपने एक गाइड भी ले लिए हैं। तो ये इन्हीं गाइड के साथ हम आपको पूरा किले को कराएंगे एक्सप्लोर बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। जब कभी भी आप इस किले को देखने जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी वहां चीजों को समझने में। तो बस में हम लोग बैठ गए हैं और बस में आ रहा है पूरा आनंद। तो यहीं से हमारी गाड़ी बड़ी तेज स्पीड से किले की तरफ जा रही है और सामने आपको भी किले में एंट्री करने वाला पहला गेट दिख रहा होगा। इसी गेट के अंदर हमारी गाड़ी एंट्री करेगी और दोनों साइड, रोड के दोनों साइड देखने से अभी से किले का थोड़ा थोड़ा व्यू सा दिखने लग गया है। और थोड़ा दूर आगे चलने पर अभी किला आने वाला है, तो वहाँ उतरते हैं और फिर आगे की कहानी आपको बतलाते हैं। पर ये ट्रिप बहुत अच्छी लग रही है। ये गेट के अंदर एंट्री हो गई है, आपको लग रहा होगा हाँ किसी एक VIP किले के अंदर आ गए हैं। उस जमाने में ये सबसे भव्य किला हुआ करता था। ये वही किला है जिस किले में रहने वाले अकबर से हमारे महाराणा प्रताप की लड़ाई यानी कि युद्ध हुआ था। तो इस किले की भी एक भव्यता है, जो जोधाबाई है यानी कि जो अकबर की पत्नी थी, उनका महल भी इसी के अंदर है। हम ये सब चीजें इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, आपको इस ब्लॉग में पूरा इंजॉय और आ जाएगा। तो लीजिए, आखिर हम भी किले पर पहुंच ही गए। अभी सब लोग उतरकर अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ पे कुछ चेकिंग होगी और चेकिंग होने के बाद सबकी एंट्री किले के अंदर हो जाएगी। ये है शिलालेख पे सब कुछ लिखा हुआ है इस किले के बारे में, पूरी हिस्ट्री। तो इसको आप बड़े प्यार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरा रेड स्टोन से किला बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो पत्थर है ये सब यहीं से लेकर बनाया गया है। अभी किले की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी देंगे। जी नौशाद भाई, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ नौशाद कुरैशी, आई कॉल मी कुरैशी। अभी हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट के बारे में। जी, तो फतेहपुर सीकरी फोर्ट सिचुएटेड आगरा 40 किलोमीटर जयपुर नेशनल हाईवे टॉप ऑफ अरावली हिल। ओके, अभी हम एक हिल के ऊपर आ चुके हैं। ये हिल के ऊपर एक फोर्ट बनाया है, इसको जो हिल का नाम है इसको बोलते हैं अरावली हिल। यहाँ से जो स्टोन निकलता है, इस स्टोन का नाम है रेड सैंड स्टोन। जितना भी आपको ये बैक साइड में और चारों साइड से जो स्टोन दिखाई दे रहा है, इसको रेड सैंड स्टोन बोलते हैं, बलुआ पत्थर। अकबर यहाँ पर आए थे 1517 में आए थे अकबर। तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव था, गांव के लोग जो रहते थे यहाँ पर स्टोन कटर पत्थर के कारीगर रहते थे। और यहाँ पर एक अपना कॉटेज डालकर एक पहाड़ी के ऊपर एक संत भी रहते थे। संत का नाम था हज़रत शेख सलीम चिश्ती। हजरत शेख सलीम चिश्ती अपनी चमत्कारी एक्टिविटी से काफ़ी फेमस थे। यस, तो अभी हम हजरत शेख सलीम चिश्ती के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपनी चमत्कारी एक्टिविटी से काफ़ी फेमस थे, जैसे कि गांव के लोगों ने देखा जंगली जानवर उनके आसपास दौड़ रहे हैं लेकिन उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ऐसी एक्टिविटी थी। और सीकरी गांव में जो स्टोन कटर रहते थे उनका गांव आज भी है। सीकरी गांव इस पहाड़ी के बैक साइड में डाउन में सीकरी गांव है। यहाँ पर अकबर फर्स्ट बार इसलिए आए क्योंकि उनकी 3 क्वीन थी, 3 क्वीन से कोई चाइल्ड नहीं था, बच्चा नहीं था। तो रिलीजन्स पार्ट पे अपना प्रार्थना करने, प्रेयर करने जाते थे। पहले वो अजमेर गए, अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन वहाँ पर अकबर पहुँचे तो उनको ड्रीम में दिखाई दिया, उसको बोलते हैं बसारत हुआ अकबर को, कि आप सीकरी गाँव जाएँ तो वहाँ पर आपके संत मिलेंगे, अगर वो संत आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। अकबर बाई वॉक पैदल चलकर यहाँ पर आए सीकरी में, और पहाड़ी पर आकर एक संत के पास
जिनका नाम मैंने बताया हजरत शेख सलीम चिश्ती, उनके पास आकर रेस्पेक्ट में उनके लिए एक दुसाला उड़ाया। दुसाला जैसे कि आज भी हम किसी को सॉल्वेट करते हैं, उस तरीके का ही उनके लिए रेस्पेक्ट किया और उनसे प्रार्थना करने के लिए बोला कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक महापुरुष हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका ईश्वर जल्दी सुन सकते हैं। तो संत ने उनके लिए प्रार्थना किया। उनकी एक क्वीन थी जोधा, जोधा उनके साथ में थी, जोधा से उनको आशीर्वाद दिया तो उनके एक बेटा हुआ जोधा से। उस बेटे का नाम संत ने अपना टाइटल दे दिया, सलीम रखा। उस बेटे का नाम संत ने ही रखा, सलीम। सलीम जब बड़ा होता तो जहांगीर के नाम से किंग बना, जहांगीर के नाम से शासन किया। अकबर ने बेटे की खुशी में इसको अपना फोर्ट बनाया और इस शहर को नाम दिया फतेह। फतेह मिस होता है विक्ट्री, ओल्ड नेम सीकरी, दोनों नाम मिलाकर हम कहेंगे फतेहपुर सीकरी। अभी हम सीकरी वाला पार्ट देख रहे हैं तो सीकरी में राजा का रेजिडेंशियल एरिया देखेंगे, फतेहपुर होली पैलेस बना हुआ है। वहाँ पर जो होली मैन थे हजरत शेख सलीम चिश्ती, उनका मकबरा बना हुआ है और वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ये सारा पार्ट उधर देखने के लिए मिलेगा। और रिलीजन्स पार्ट है, वहाँ हमारे शूज़ अलाउड नहीं होंगे और रिलीजन्स के हिसाब से, तो वहाँ शांति प्रिय और शूज़ उतार कर घूमने के बाद में हमारा एंट्री होगा। बहुत बढ़िया। तो अभी हम सीकरी का फर्स्ट पॉइंट विजिट कर रहे हैं, दीवाने आम। दीवाने आम ये कोटियाड आप चारों साइड से देख रहे हैं, इसको दीवाने आम बोलते हैं। किंग अकबर यहाँ आम पब्लिक के साथ में मीटिंग करते थे। सामने देख रहे हैं किंग अकबर का ये चैम्बर बना हुआ है, उधर फोकस कर रहे हैं आप। सामने किंग अकबर का चैम्बर है, यहाँ किंग अकबर बैठते थे सेंटर में, मिडिल में। और अकबर के पास जो मीटिंग के लिए जो लोग जाते थे वो क्यू सिस्टम से अपना रिक्वेस्ट करने जाते थे, फरियाद करने, और जो दोषी लोग होते थे उनको पनिशमेंट करते थे। जो छोटा मोटा क्राइम करते थे उनको कोड़े मारकर या अदर जो भी पनिशमेंट होता था वो करते थे। जो बड़ा क्राइम करते थे उनको, जैसे कि आज के टाइम में जो फांसी का सजा दिया जाता है, उस टाइम पर यहाँ एक एलिफेंट होता था, एलिफेंट को उस रिंग से यहाँ बांधा जाता था। वो लास्ट चांस जो बड़े क्राइम होते थे उनको यहाँ पनिशमेंट करते थे। साइड में छोटा छोटा रिंग बना हुआ है ऊपर, ये लैंप के लिए होते थे, यहाँ रोशनी के लिए जो लैंप लगाए जाते थे। तो अभी हमने देखा दीवाने आम। हाँ जी भाई जी, अकबर का फुल नेम क्या था? देखिए अकबर के बारे में मैं आपको बताया, जैसे कि हमने अभी दीवाने आम देखा अकबर का, और ये अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। अकबर का फुल नाम होता था मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन से अकबर का टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उनने, अकबर ने आम लोगों के लिए, आम पीपल्स के लिए टैक्स फ्री किया था, जजिया कर उस टैक्स को फ्री किया, तो लोगों ने खुश होकर अकबर का टाइटल दिया। अकबर के मायने होते हैं ग्रेट पर्सन। ऐसे ही अकबर के जो एक खास मिनिस्टर थे बीरबल, बीरबल का फुल नेम था पंडित महेश दास, जो अकबर के खास मिनिस्टर होते थे। अकबर के 9 मिनिस्टर थे, 9 मिनिस्टरों को नवरत्न बोलते थे, 9 ज्वेल्स। और अकबर के जैसे कि जो मिनिस्टर, जैसे कि राजा बीरबल, तानसेन, मानसिंह, अबुल फजल फैजी, हकीम उक्काम, राजा टोटलमल, ये उनके खास मिनिस्टर थे। खास लोगों के साथ में अभी हमने देखा आम लोगों के साथ में मीटिंग होता था, दीवाने आम, ये दीवाने खास है। सामने हम जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये दीवाने खास है, दीवाने खास किंग का एज ए पार्लियामेंट हाउस। किंग के 9 मिनिस्टर के साथ में नवरत्न के साथ में यहाँ पर मीटिंग होता था। यहाँ से एक अकबर ने एक रिलीजन भी स्टार्ट किया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मैसेज था सबका मालिक एक, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। अकबर ने, अकबर के साथ साथ सबसे पहले जो रिलीजन्स को फॉलो किया था दीन ए इलाही को बीरबल ने फॉलो किया था। यहाँ अंदर देखेंगे हम तो यहाँ पर मोस्टली जहाँ किंग अकबर बैठते थे वहाँ रिलीजन्स के सिम्बल लिए गए, उसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक डिजाइन। अंदर जाएंगे देखते हैं इंडो इस्लामिक डिजाइन। यस, देखो ले लेना। रूम में आ चुके हैं, यहाँ पर करेंसी रहता था, गोल्ड का कॉइन होता था। ये चारों साइड से ऐसे रूम में ये बॉक्स बनाए गए, इस बॉक्स में गोल्ड का कॉइन होता था, इसके ऊपर स्टोन पीस रख दिया करते थे जैसे रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फ्लावर पॉट, प्राइवेसी बना रहेगा, ऐसे चारों साइड से ये बॉक्स बनाए गए। और यहाँ पर कॉरिडोर में मैंने बताया हाइड एंड सीक खेलते थे, आँख में चोली बोलते हैं इसको, किंग हिंदू ज्योतिष में बिलीव करते थे। इसको एस्ट्रोलॉजर का नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। हिंदू रिलीजन्स के हिसाब से ये डिज़ाइन भी दिखाई दे रहा होगा, जैन टेंपल में आपने मोस्टली ये डिज़ाइन देखे होंगे। इसको किंग का राशि भी बोलते हैं मकर तोरण। और कॉर्नर पर ये एलिफेंट सिंबल भी लगे हुए चारों साइड से, गुड लक के लिए होता है एलिफेंट सिंबल। खड़े हुए हैं सामने चौसर गेम बोलते हैं किंग का, और इसको ये लूडो बॉक्स, जिसको कोई समझ नहीं पाता तो लूडो बॉक्स भी बोल देते हैं इसको, एक्चुअल में इसका नाम चौसर बोलते हैं। चार साइड में ये बॉक्स बने हुए हैं, सेंटर में ये किंग का सीट है। फ्री टाइम में जब शाम के वक्त अपना लूडो बॉक्स ये खेलते थे किंग के साथ,
क्वीन और होती थी अकबर के साथ में, जैसे कि यहाँ बैठे आया करते थे और ये ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड उधर, थर्ड उधर, फोर्थ उधर, चार साइड में ऐसे बॉक्स हैं। बॉक्स में कॉइन की जगह यहाँ दासियों को खड़ा किया जाता था। और अभी हमने देखा पब्लिक कोर्ट, पब्लिक कोर्ट में जाने का रास्ता इधर से हुआ करता था किंग के चैम्बर में जाने के लिए। जो किंग का चैम्बर देखा सामने, देख रहे हैं फाइव स्टोरी पैलेस है, पंचमहल, पांच मंजिला इमारत है, टोटल पिलर पे बनाया है, इसको हवा महल भी बोलते हैं। और सेकंड पर्पस था इसका, जो क्वीन थी जोधा, वो टॉप से अपना करपाजोत का चांद देखती थी और मुस्लिम ईद का चांद। अच्छा, बहुत बढ़िया। सामने ये पिलर वाला एरिया है, यहाँ पर ये किंग जो रॉयल फैमिली में बच्चे होते थे उनके लिए स्कूल, मदरसा, ऊपर लाइब्रेरी बच्चों के लिए होता है। मैं इसको क्लियर कर दूं, अनूप के माने स्पेशल, अद्भुत, अनोखा। तो ये सेंटर पे जो सीट है ये तानसेन सीट बोलते हैं। तानसेन एक फेमस म्यूजिशियन थे अकबर के। अकबर यहाँ पर जब फ्री टाइम में होते थे तो जो मनोरंजन के प्रोग्राम होते हैं वो इसी सीट पे होते हैं। तानसेन ने यहाँ पर अपना दीपक राग गाते थे और एक कंपटीशन भी हुआ था, तानसेन और बैजू बावरा, यहीं पे कंपटीशन हुआ था। सामने मिडिल वाले पार्ट में कलर वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, वहाँ किंग अकबर फैमिली के साथ में बैठते थे, तानसेन का गाना सुनते थे। इसके चार रास्ते हैं जाने के, चार चमन भी बोलते हैं। वाटर टैंक इसलिए बनाया गया था, जैसे कि किसी टैंक में हम आवाज़ डालते हैं ना, बैक साउंड आता है, इको होता है, तो तानसेन जब गाना गाए तो उनका आवाज़ यहाँ इको हो, इसलिए वाटर टैंक पहले रोज वाटर होता था इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर देखेंगे टॉप पे वो किंग अकबर का रूम बना हुआ है, एक नीचे भी रूम है, दो रूम बने हुए हैं अकबर के, जैसे कि फर्स्ट समर साइड नीचे, ऊपर विंटर साइड, ऊपर का लॉक किया है, नीचे वाला हम देखेंगे। इस साइड में बना हुआ है फर्स्ट क्वीन का रूम, रुकैया। मैंने तीन क्वीन बताया आपको, ये फर्स्ट क्वीन का रूम है रुकैया। रुकैया टर्की की रहने वाली थी, इसको टर्की सुल्ताना का रूम बोलते हैं। आइए देखते हैं। के रूम पे हम खड़े हुए हैं, रुकैया, इसको टर्की सुल्ताना का रूम भी बोलते हैं, टर्की की रहने वाली थी, इसको सीस रूम के नाम से भी जानते हैं, सीस महल। अंदर जितने भी ये बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें ग्लासेस होते थे, मिरर, और जब क्वीन आए तो चारों साइड से अपना पिक देखते, और सबसे ज़्यादा ऊपर सीलिंग पे कार्विंग भी होगा, दीवारों पे भी कार्विंग देख रहे हैं। इसमें किंग के लिए रोज़ वाटर भी बनाया जाता था। रोज़ वाटर बनाने का एक टेक्निक होता है, जैसे कि अंदर इसमें बॉक्स में ये घड़े टाइप से बना हुआ है, इसमें वाटर डालने के बाद में रोज़ डालते थे, ऊपर से कवर करते थे, उसको फिर गर्म करते थे, उसका जो स्टीम निकलता था आउटसाइड टैंक में इकट्ठा करते थे, उसको बोलते हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को यूज़ में लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, किंग का डाइनिंग हॉल। ये किंग का डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल में पहले टेबल नहीं होता था, नीचे कारपेट होता था, उसको बोलते हैं दस्तरखान। नीचे बैठ के खाना खाते थे। और ये दीवारें जो देख रहे हैं ये पहले डैमेज हो चुका है, पहले इसमें पेंटिंग किया गया था, अभी डैमेज है, और थोड़ा थोड़ा पेंटिंग भी दिखाई देगा यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आइएगा। जितना हम इस पर फ्लैश करेंगे उतना साइन करेगा, देखिए इधर भी होगा। दो रूम थे, समर और विंटर। ये समर पार्ट है, विंटर पार्ट इसके ऊपर बना हुआ है, लॉक किया गया है। ये किंग का बेड है, इसकी हाइट का पर्पस सिक्योरिटी रीजन, जैसे कि यहाँ टेम्परली स्टेप बोट का स्टेप होता था, उससे चढ़ते थे, बस को बाद में हटा दिया जाता था, सिक्योरिटी रीजन। किंग जब सोए हुए तो अकस्मात आकर कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए यहाँ इस रूम में तीन गेट दिए गए, जैसे कि तीन क्वीन थी, फर्स्ट गेट एंड सेकेंड एंड थर्ड साइड में बना हुआ उधर। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं सिक्योरिटी के रीज़न से इसको काफ़ी सेफ किया गया है। इसको पूरे पार्ट को बोलते हैं ख्वाबगाह। ख्वाबगाह के मायने होते हैं ड्रीम हाउस, सपनों का महल। ये साइड में इधर ये बॉक्स बनाया गया और इस बॉक्स में इसमें रोज़ वाटर होता था। रोज़ वाटर में इत्र भी डाल दिया करते थे खुशबू के लिए, अंदर कोई हवा का झोंका आएगा तो अंदर तक महक आएगा, नेचुरल रूम फ्रेशनर। ये साइड में ये लाइब्रेरी भी होती थी, यहाँ पर डैमेज पार्ट है इधर का। और यहाँ पर जो गेट होते थे वो डायरेक्टली ऐसे गेट नहीं था, ये लॉक था, ये वॉल, ये साइड में ऐसे टर्न लेकर तब इस स्मॉल गेट से निकलते थे। ये सिक्योरिटी रीज़न थे, अगर कोई अटैक करके आएगा तो इस यहाँ हेड डाउन करना होगा, सिक्योरिटी रीज़न। ये छोटे गेट बनाते थे इसलिए स्पीडली कोई जा ना पाए, ऊपर का ही लॉक किया गया जो स्टेप दिखाई दे रहा है। इस किले का ये वाला हिस्सा आपने इस एपिसोड में देख लिया है, इसके आगे की वीडियो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में।